बाजार जिले की सरसीवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरोजगार युवक से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 50,000 रुपए और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि सरसीवा थाना क्षेत्र के बेदुआ निवासी प्रताप कुमार ने मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था, आरोपियों ने उसे पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलाने का वादा करके 50,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। एक टीम देख सकते कपिलेश्वर पुरी और नवीन तिवारी को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि एक पूरे गिरोह की तरह ये काम कर रहे थे। पूरे गिरोह का सरगना दूरबा का रहने वाला है चंद्रशेखर पांडे। एक टीम चंद्रशेखर पांडे को लेने दूरबा गई और वहाँ चंद्रशेखर पांडे को भी हिरासत में लिया गया।